ਵਾਹ ਲੋ ਐਫ ਮੂਲੇ ਲਈ ਮਾਰ ਬਈ ਹਾਂ ਜੋ ਗਾਹੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਟੋਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 5G 6G ਲੱਗਣਾ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਜਲੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੈਡੀ ਕੰਪਨੀ जैसे आप देसी जुबान में विंग्स कह रहे हैं, विंग्स है। अस्सलाम वालेकुम। तो एक लंबे अरसे के बाद फूड पॉइंट रिव्यू सीरीज के एक और नए एपिसोड में आपको वेलकम करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज में हम एक फूड पॉइंट के ऊपर जाते हैं और हमारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज भी हम एक फूड पॉइंट पे जाएंगे, वहाँ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारे इस एपिसोड के अंदर हमारे साथ हमारे दोस्त भी मौजूद होंगे जिन्हें आप जानते हैं, कुछ एक आधा नया चेहरा होगा जिससे आपका तारुफ करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं। अली अवैस है उदारा फड़े अली अली ने लले अली ने उदारा फड़े तुसी सही होंदे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम टाइम सर फोन किया मैं आज जैसी लेट हो गया आइयो बैठो गुर्दा हो ना करी क्यों और ये बाइक में खड़ा रही है देखो माजर को दिखा नहीं आइयो गड्डी में बैठ कर नहीं जी सारे जो बंदे हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं दो सारे इकट्ठे हो चुके हैं अब चलते हैं सफर पे अली बाकी रहन दे ऐ नया चेहरा जो साडे ब्लॉक के जुड़ शामिल होया है अपना तारुफ कराओ हेलो तारुफ कराओ नाम दसो मेरा नाम सिमरान अली ये हमारे मामू है जी हमारा जो मोटरवे हम चढ़ चुके हैं अब फूड पॉइंट के पास जाके आपसे मिलते हैं मोटर में टूल प्लाजा के ऊपर फंसे हुए हैं इस वक्त रश काफी ज्यादा है यहाँ पे अगर तुसी थले करके फ्लैटर चलानी ना नेरे करके अपनी अप्लाई करो फिर चलेगी मैं भी तो भाई जी उन्होंने बाय चलेगा आईफोन भेज देना चलो वाईफाई सनसी ऐसी मुरू की बाना से शरदपुर श्री
ले जी अपने जो पॉइंट है उस पर पहुंच चुके हैं और पहुंचने के बाद यहाँ पर रश बहुत ज्यादा है, ये आप देख सकते हैं लाइनें लगी हुई लड़ाई हो। बाकी पता करने गए हैं, देखते हैं फिर क्या बनता है। ये टेटो कैफे है, इनकी आज कुछ सेलिब्रेशन है जिसपे इन्होंने डिस्काउंट दिया हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर इतना रश है। भाई साहब 2 घंटे लगने हैं अभी। कितना टाइम लगना? 2 घंटे लगने हैं। 2 घंटे जलील प्रोग्राम, जलील प्रोग्राम। अभी उन्होंने 35 नाम लिखे हैं तो फर्स्ट डे स्टार्ट करने अंदर भेजना। अच्छा, अभी सीटिंग कोई अवेलेबल नहीं है। रोज ही इतना होता है आज डिस्काउंट की वजह से। हम घर से निकले थे उस पे तो रश काफी है और लगता नहीं यहाँ और 2 घंटे बारी आएगी। 35 नाम लिखे हैं तो एक से स्टार्ट करने में जाना। आजकल मौसम वैसे ही खराब है, हमारा जो रास्ता है वो दूर का है, सड़क पूछी वापस जाना है तो रास्ते में धुंध काफी ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से हमारा ये जेन बन रहा है कि इसे स्किप कराए और किसी और का रिव्यू करके चलते हैं। चलिए किरे और गया ठीक, लक्ष्मी चलिए, चले आगे अगले फूड पॉइंट पे जाके मिलते हैं। और ना की होता जिथे जाना है किंग बर्गर। अच्छा, अब प्रोग्राम ये बना है कि लक्ष्मी जा रहे हैं किंग बर्गर वालों के पास। लिबर्टी लंग आया थी वो नहीं पाया है कि वाइटी ऐसी क्रॉस करने में लिबर्टी करने में नहीं मीठा भी है ये लिबर्टी गोल जगह करो कर के करा हम बहुत लंग गए हैं। यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं ये किंग बर्गर वालों के पास, अब अंदर चलते हैं और चेक करते हैं इनका फूड। ये लक्ष्मी में है किंग बर्गर वाले। ओके ओके वेले हो गया ये यहाँ पर आप इनका मेन्यू देख सकते हैं। ट्रेन की सारी प्राइस काम नहीं बने, साडा काम है जो मर्जी खाइए।
ਆਡਰ ਦੇਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਡਰ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਲਿਆ ਕੀ ਕੀ ਆਡਰ ਦਿੱਤਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਡਰ ਕੀ ਆਡਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਕੇ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਹ ਗਿਆ ਇਹ ਦੀਨ ਕੋ ਬਾਦ ਅਗਰ ਜੀ ਉਸ ਨੇ ਵਾਰ ਨਿਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥੇ ਦਾ ਇਹ ਦੋ ਫੰਡਾ ਚ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀਮਤ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਟੋ ਪਹਿਲੇ 5000 बाकी अब ऑर्डर आते हैं आपको फोन टेस्ट करके बताते हैं क्या पोजीशन है की होना पाया जी माइनस के ऊपर पाया चले की हुए बैठे स्कून लिया यार उन आंधी बार ना आगे किसी और नू बना है मेरी ऑर्डर जो दिया था वो आ चुका है बंदे सारे काले पे पहले काले पे ने बात शुरू हुई है बस सबसे पहले अंडा टिक्की है ये फ्राई नान है और अंडा टिक्की है सबसे पहले ये ट्राई करते ये बीफ कबाब है ड्राई सॉफ्ट और जूसी है ये नैपलर्स है जैसे आप देसी जुबान में विंग्स कह रहे हैं विंग्स है चटी खाने वाले अच्छा जी उन लोकेशन खाने के लिए जबरदस्त है इनके विंग्स भी बहुत अच्छे हैं इनके नहीं बुरी है अरे खाते हैं फड़े गए कोई गल फड़े जैसे खाना चाहिए हाँ जी मेहर भाई अलहमदुल्ला बिल्कुल ठीक है विक्की साहब कबाब भी विंग्स भी सालन भी सही है हाँ जी सारा कुछ बेस्ट है माशाल्लाह मजेदार आज जे स्पेशल गेस्ट नवेला को स्पेशल रिव्यू लेने हैं हाँ जी हाँ जी की ला माशाल्लाह बहुत अच्छा सब कुछ ठीक है टेस्ट भी अच्छा है बस सॉफ्ट है अच्छा हाँ जी ये ओम भाई पैकिंग का विंग ओवरऑल क्लियर रेटिंग जो कि 5 दी चुके कितने में थे 5 में से 5 में से 4 अरे मैं भी ओवरऑल रेटिंग पूरी मैं ये फर्स्ट टाइम नहीं फिर खा चुका हूँ कई बार अलहमदुल्ला की हाइट अच्छी होती है की भी लेबर की और फिनिश की उसके अलावा जो खाने टेक ऑफ है वो भी अलहमदुल्ला अच्छा है मैं तो ना फाइव में फाइव भाई जी मैं सबसे ज़्यादा टैबलेट्स और ना ये गोला कबाब जो था वो ट्राई किया माशाल्लाह बहुत अच्छा बीफ कबाब माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट था मैं तो 5 में से 4.5 जो ओवरऑल ठीक है मामू जी सॉरी पहली बार रिव्यू मिल गया यार पूरी 5.5 बस बस अच्छा मैं जनाब ते 5/3 वो बेटर 3 क्यों बस ये मजेदार है काम कहता हूं 5/3
मैं पहले यहाँ पर एक दफ़ा आ चुका हूँ और पहले का एक्सपीरियंस और अब का एक्सपीरियंस भी मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। मैं इसे पाँच में से चार रेटिंग दूंगा। और लो जी, खाना खुना खा के फारिग हो गया तो हम बोतल चलती भी बोतल स्पेशल गोरमे तो लभ के लिया कोक स्प्राइट इनका बाइकआउट किया हुआ है। ये बोतल इनके पास मौजूद थी लेकिन हमने नहीं। थोड़ा भाई बाइकआउट है, देखो बाइकआउट पक्का मेहर भाई केड़ी पी दे मैं दिखाओ दो भी बोतल है देसी पींदे में लेते गोरमे बाइकआउट है। हाँ जी जी, खाना वगैरह खा के फारिग होने के बाद यहाँ पर सेवियर फूड पे आए हैं चाय पीने के लिए। यहाँ पर चाय पीते हैं, आपको इनका रिव्यू देते हैं। मैं जनाब पहली बार चला। हाँ जी, चेक करना है कैसा एक्सपीरियंस है। चलो चलिए इधर से, ये कुछ मीठा लिया है खाने के लिए। मामू ये चीजें जो हमने ली थी ट्राई की है, क्या क्या पसंद आया? सभी चीजें जबरदस्त है लेकिन ये मजेदार दिल की चाय सेवर की चाय दिल। खाना वगैरह खा के सब कुछ फारिग हो चुके हैं, सेवर पे आए थे चाय पीने के लिए। मीठा भी था, आपको बताया कि कैसा है चाय, कैसी है। यहाँ पर चाय खूबसी बन रहा है। इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। उम्मीद है आपको हमारी सीरीज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए, खुदा नवे बंदे भी बाय बाय कर।